हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांग बसीना एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, कल मंडे है, किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करना है, बिकॉज जो पास्ट का वीक था ना, बहुत ज्यादा डेडली था और कुछ स्टॉक्स हमारे नहीं चले थे। एंड आई होप कि ये वाला जो हफ्ता हो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो और जो भी हम ट्रेड्स लें वो परफेक्टली अपने टारगेट तक रीच करें और हम लोग 3-4% ईजिली इस वीक अर्न कर पाए। सो देखते हैं कौन से स्टॉक्स बेटर है। तो मैंने एक चीज नई स्टार्ट करी है, जिसमें मैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और लिंक्डइन पे, तीनों पे एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाने की स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हम बता नहीं सकते बट हम लिख कर आप लोगों को बता सकते हैं। सो ट्विटर पे आप जरूर जाके फॉलो करिएगा, बिकॉज वहां पर मैं ह्यूमन और सिक्योरिटी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए हेल्प कर सकता है। तो प्लीज वहां जाके जरूर हमें फॉलो करिएगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में हम लोग परफॉर्मेंसेस ले सकते हैं, एंड एक वॉच लिस्ट मैं क्रिएट करके आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा कि आप उस वॉच लिस्ट का एक सेपरेट अपना खुद का बनाए वॉच लिस्ट, एंड उसी वॉच लिस्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट वीक पूरे ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज, मैंने नेक्स्ट वीक की रिसर्च रिपोर्ट शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, तो वहां जाके हमें सब्सक्राइब कर लो और वो रिसर्च रिपोर्ट भी आप पूरी देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कल का दिन कैसे रहने वाला है, कैसे काम करना है, सारी चीजों का चलते अपने सेटअप की तरफ। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, एक रीटेस्ट से ऊपर जा रहा है और आई थिंक ये ऊपर जा सकता है। एक छोटा सा हर्डल ये ऊपर फेस करेगा जो कि 100 पॉइंट्स ऊपर है, बट मिनिमम उतना पॉइंट तो हम लोग कैप्चर आराम से कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू स्टॉक में हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल है जहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से ये स्टॉक हमेशा बाउंस करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर राइज एंड हायर लोस था, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक हायर राइज एंड हायर लोस बुलिश है, बट ऑन अ माइनर ट्रेंड हम लोग देख रहे थे एक रेंज बाउंड ऑन अ लोअर साइड हमें देखने को मिल रहा था, बट फाइनली उसका भी ब्रेकआउट हुआ और उसने दोबारा अपने जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो बुलिश था उसको दोबारा उसने फुलफिल करा, विच इज अ वेरी गुड साइन एज वेल। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा अप मूव देने के बाद एक रेंज बाउंड था, ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली उस रेंज बाउंड पे, आके इसने सपोर्ट लिया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम और वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। सो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप देखेगा ब्रेकआउट, इट गेव अ रीटेस्ट, अगेन इट ब्रेकआउट, अगेन इट गेव अ रीटेस्ट, जिस लेवल से ये ब्रेकआउट दिया था एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हम देखने को मिल रहा है और एक अच्छी रैली आई थी। सो आई थिंक अगर ये लेवल सस्टेन करता है 2200 रुपीस का, तो आई थिंक ये 2300 जो कि मिनिमम इसका टारगेट है, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करे हैं, यहाँ पर इजीली जा सकता है। बट आफ्टर दैट अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 2400 भी बहुत इजीली आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक ले इसे हम लोग ऑब्जर्व करके जरूर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें कोई ट्रेड मिलता है मैं आपको टेलीग्राम पे कल सुबह रिकमेंड कर दूंगा और वहां पर अपने सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। इसके अलावा कल सुबह भी मैं लाइव भी आने वाला हूँ 8:45 AM पे, तो अगर स्टॉक्स पे हम लोगों को दिखता है कि एक बाय एंट्री सेटअप मिल रहा है तो वहां पर लाइव ही आपको बता दिया जाएगा और लाइव भी आप अपना ट्रेड ले सकते हो। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में भी अगर आप देखोगे तो ना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश और उसके बाद माइनर ट्रेंड में तो हम छोटे मोटे रेंज बाउंस और छोटे मोटे लोअर लोज लोअर हाइज देखते हैं, क्योंकि वही उसका एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है बहुत अच्छा साइन होता है। सो रिसेंटली अभी मुझे एक और स्ट्रक्चर देखने को मिला, सो लेट मी शो यू। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी रैली आई थी एंड आफ्टर अ वेरी गुड रैली एक कंसोलिडेशन फेज पे चला गया एंड फाइनली इसका अगर हम देखेंगे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इट गेव अ वेरी गुड सपोर्ट, रीटेस्ट लिया, अगेन वहां से बाउंस करके इस लेवल पे आ गया। अब यहाँ पर जिस लेवल से इसने एक रिवर्सल दिया था इस पूरे अपमूव का वो 61% था, जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल होता है जहां पर एक रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हमें देखने को मिला। प्लस उसी लेवल से एक ब्रेकआउट भी आया, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब एक छोटा सा हर्डल है, अभी जो करंट प्राइस है इसका ना 377 है। अगर आप ये येलो कलर का जोन देखोगे, इस येलो कलर के जोन पे मल्टीपल रीटेस्ट कर रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर इसने एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया आफ्टर अ वेरी गुड फॉल, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है जो कि 381 के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 415 से लेके 420 तक एक अच्छी रैली स्टॉक दे सकता है। सो उसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, नेक्स्ट वीक पे कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, हमारा थर्ड स्टॉक है लिंडे इंडिया। अगर आप यहां पर देखोगे ये भी एक अपट्रेंड के अंदर है, स्टॉक बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक अच्छे रेंज का ब्रेकआउट एक में आ चुका है और दूसरे पैटर्न का भी ब्रेकआउट आने वाला है। सो लेट मी शो यू, ये बहुत स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं। सो लेट मी शो यू,
अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक राइजिंग चैनल के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि अगर अपने सपोर्ट लेवल में मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ अपने राइजिंग रेजिस्टेंस वाली लाइन तक ये ऑब्वियसली टेस्ट करेगा, इतना हम लोग श्योर है। तो अगर हम दूसरी बात को ऑब्जर्व करें तो एक बॉटम से एक बहुत अच्छी रिकवरी आई, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ये ऑलमोस्ट अगस्त से एक रेंज बाउंड हो गया, ये स्टॉक रेंज बाउंड हो गया, फाइनली अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया और इसका ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से लग रहा है कि ये कैंडल अब ब्रेकआउट दे सकती है। सो अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक बुलिश फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे, आपको यहाँ पर दो येलो कलर के जोन्स दिख रहे होंगे, जो एक दोनों पैरेलल लाइंस होंगे जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था जिसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, इसके अलावा वॉल्यूम्स प्रोफाइल कंफर्म कर रहा है कि ये बहुत अच्छा लेवल था जहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब बात आती है कि इसके टारगेट्स कहां तक होंगे। देखिए, अगर हम लोग फ्लैग एंड पोल की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज 3500 रुपीज का, करंट प्राइस जो है वो 2774 रुपीज का है। सो ऑलमोस्ट यहां से 800 पॉइंट्स 700 पॉइंट्स की अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस तक, तो एग्जैक्टली वो भी वही दिखा रहा है। बट अगर आप देखोगे कि स्टॉक एक मिनट में ऊपर चले जाए, तो अगर यहीं से ऊपर जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 3300 तक आ सकता है, ठीक है। अगर ये हल्के हल्के जाएगा ऐसे ऐसे करके तो 3500 तक पहुंच सकता है। सो अगर आप समझ गए, टाइम ड्यूरेशन इस पे ज्यादा लगेगा टारगेट पे आने में, 3500 आने पे, बट डेफिनेटली ये आ सकता है। तो इसके बेसिस पे मुझे लगता है स्टॉक भी बहुत अच्छा है। तीन स्टॉक्स की बात कर लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग एंड करते हैं सेशन। तो वीडियो पसंद आई जा रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोलिए कि ये वीडियो भी आप लोग देखें, इससे आपका एजुकेशनल कंटेंट और ज्यादा बढ़ेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कंसेप्ट। निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया एंड यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखेंगे तो हमने ये रेड कलर की लाइन डिस्कस करी थी कि इस रेड कलर की लाइन पे अगर ये हॉल्ट करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दोबारा देखने को, शॉर्ट टर्म माइनर टर्म एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट हुआ क्या, एक बहुत अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया गैप डाउन था, नीचे गया बट आफ्टर दैट एक रिकवरी हुई, बट इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया, विच इज अ वेरी बैड साइन, ये एक बुरा साइन था। सो हमें करना क्या, अभी करंट प्राइस मोस्ट प्रोबेबली इसका चल रहा होगा 17,616 रुपीज का, मतलब 17,600 रुपए में ये ट्रेड कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से जब तक ये 17,730 ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें एक बाय के मौके हम डेफिनेटली सेलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व ना करूं, एक थ्योरेटिकल ऐसी सोच के चलूं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है और गिरावट और आ सकती है, तो देखिए अगर हम पास्ट के डाटा को स्टडी करेंगे तो बजट से पहले हमेशा 20 तारीख के बाद एक गिरावट हम देखते थे, हमेशा 1 फरवरी को बजट आता था, उससे पहले 20 जनवरी से हम लोग एक छोटा सा फॉल एक्सपेक्ट करते थे मार्केट के अंदर और वो स्टेबलाइज्ड भी हो जाता था। सो आई थिंक हमें बस ये देखना है ये जो फॉल है क्या वो यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हो चुकी है, क्या 17,500 इसका जो ये लेवल है जिसने ये लेवल से बाउंस करा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है कि यहाँ से और गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बॉटम और टॉप से फिबोनाची बनाता हूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम एक्सपेक्ट करके चले इस पूरी अपमूव का 50%, तो वो 17,360 या 370 पे आ रहा है, तो शायद हम एक फॉल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हर चीज जरूरी नहीं है फिबोनाची के बेसिस पे चले, हमें सिर्फ ऑप्शंस लेकर चलने हैं, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता अपना आज का लो, फ्राइडे का लो, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई शॉर्ट नहीं बनाएंगे, लॉन्ग भी तभी करेंगे जब 17,730 के ऊपर जाएगा, तो विद इन दिस रेंज कोई ट्रेड मत करना, प्लीज मेक श्योर स्टॉक स्पेसिफिक रहो। अगर मार्केट इसके रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करती है तो स्टॉक्स के अंदर हमें ज्यादा पैसा कमाने को मिल सकता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो निफ्टी में अभी ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी को एक बार स्टडी कर लेता है और ओपन इंटरेस्ट का डाटा। इस बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, ये एक अच्छे अपने सपोर्ट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक करोगे एक बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया था, आफ्टर दैट इसने एक पुल बैक लिया, रिटेस्ट फेस करा, रेजिस्टेंस फेस करा, अगेन एक फॉल आया, सेकंड टाइम इसने दोबारा एक रेजिस्टेंस फेस करा और एक बड़ी फॉल आई, बट फाइनली इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था और एग्जैक्टली उसी लेवल को रिटेस्ट करके कल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे बाउंस करा था। सो अगर ये वाला लो बैंक निफ्टी का भी ब्रेक नहीं होता तो भी हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है और सेल ऑन राइज भी अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मोस्ट प्रोबेबली एक रिटेस्ट हो सकता है, एक फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है आफ्टर ब्रेकिंग अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम लोग शॉर्ट करने से पहले पूरे श्योर होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बाय कब करना है। सो देखिए, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 38,150 रुपीज का और अभी ट्रेड कर रहा है 37,000
570 रुपीज का। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं मान के चलूँ तो 600 पॉइंट ऊपर जाके इसका एक रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, सो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एक छोटा सा हर्डल और है, अगर ये हर्डल ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकती है, एंड हर्डल इज दिस लेवल। सो अगर ये 37,780 के ऊपर निकलता है एक अच्छी बाइंग आ सकती है, हम अपने टारगेट्स रख सकते हैं 38,100 रुपीस के, एंड तब बैंक निफ्टी में एक बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी इसने एक बहुत अच्छा डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छी फॉल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना याद रखना। सो हमें उसके हिसाब से चलना है, एक छोटा माइनर डबल बॉटम है तो अगर इसके ऊपर निकलता है एक बाय कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ दिस। अगर ब्रेक डाउन आता है तो कोई शॉर्ट या कोई भी ट्रेड नहीं लेना अदर देन जब इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट के साथ दोनों क्लैरिफाई कर लेते हैं एंड अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया, एंड अगर यहाँ पर चेक करें तो ज्यादातर जितने भी पुट राइटर्स हैं ना नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए वो ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, एंड कॉल राइटर्स और ज्यादा एक्टिव हैं। अगर आप कॉल और पुट चेंज यहाँ पर चेक करोगे तो मेजर डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। पुट राइटर्स हैं 9.4 मिलियन, कॉल राइटर्स है 17.5 मिलियन। आई थिंक डिफरेंस है बट ज़्यादा मेजर नहीं है, बिकॉज कल मार्केट ओपन होगी तो उसके बेसिस पे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब अगर हम लोग रिसेंट ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करें तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 17,600, 700, 800, लगातार तीनों स्ट्राइक प्राइस के अंदर हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। तो आई थिंक निफ्टी अगर पुश करने की भी कोशिश करेगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पहली बार चेक करनी। दूसरी 17,600 पे एक हैवी पुट राइटर्स भी एक्टिव है, उसके बाद 17,400 पे एक्टिव है। सो आई थिंक हमें क्या करके चलना है, एक तरीके से रेंज बन चुकी है। अगर 17,730 पे निफ्टी जाता है और उसके ऊपर हमें बाय करना है तो सबसे पहली चीज जो 17,600 के कॉल राइटर्स है वो एग्जिट करेंगे क्योंकि उन्हें हैवी लॉसेज होंगे। पुट राइटर्स और अपनी पोजिशन बनाएंगे 17,600-700 पे और आई थिंक वहां पर रेंज पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर एक मूव आ सकती है। बट रादर देन दैट बाइंग की मोमेंटम मुझे निफ्टी के अंदर लग नहीं रही है। बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हैवी कॉल राइटर्स 37,500 पे है और 37,574 पे तो ये खुद ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अभी यहाँ पर हम लोग पेशेंसली वेट कर सकते हैं। अगर कल एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, 100 रुपए का भी गैप अप देखने को मिलता है और वो 15 मिनट सस्टेन करता है तो जितने भी ये कॉल राइटर्स हैं ऑटोमेटिकली एग्जिट करेंगे, पुट राइटर्स पीछे वाले और ज्यादा एक्टिव होंगे और आई थिंक 35,400-35,500 एक बेस बन सकता है। ठीक है, फिर शायद वो लेवल ब्रेक ना हो जो डबल बॉटम बैंक निफ्टी के अंदर बना है। ठीक है, अब बात करें गिरावट का, कितनी बड़ी गिरावट मतलब कितना ऊपर जा सकता है तो आप देखेंगे 38,000 पे पुट राइटर्स हैवी थे वो एग्जिट कर चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इतना ऊपर जा सकता है। ब्लड्स छोटे छोटे अगर हम देखें तो 37,600 और 700 पे भी कॉल राइटर्स एक्टिव है। आई थिंक ये भी एक डिसीजन अनवाइंड कर सकता है। बट अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो हम लोगों को बाय कहाँ पर करना है, हमको बाय करना है 37,780 के ऊपर और हेवी पुट राइटर्स हैं 37,700 के ऊपर। अब आप समझ गए हेवी पुट राइटर्स एक्टिव कहाँ तक है, 37,700 तक, हमें बाय करना है 780 के ऊपर। तो यानी कि जितने भी पीछे के कॉल राइटर्स हैं सब एग्जिट करेंगे बिकॉज उनको लॉसेज होना स्टार्ट होंगे, पुट राइटर्स और अपनी पोजीशंस बनाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सो आई थिंक अभी के लिए सेटल है, बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है रादर देन निफ्टी। निफ्टी शायद रेंज बाउंड हो सकती है, सो इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। कल सुबह तो मैं एक्टिव होंगे आपके साथ 8:45 AM पे, सो प्लीज मेक श्योर अलार्म लगा लो अपना 8:30 बजे का, जुड़ जाओ, सोते सोते बस सुनते रहना जो जो मिलते रहे एंड समझते रहना। ठीक है, सो आई थिंक इस सेशन को एंड करते हैं। प्लीज डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, ऑन ट्विटर, कि वहां पर आप लोगों को और अच्छे रिकमेंडेशंस हमारे थ्रू मिलते रहे। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय।